फेस कर सकते हैं ब्राउन ब्रेकर को। ग्यूलिया कर चुकी है डेब्यू एनएक्सटी में। एंड क्या हमारे न्यू एक और टाइटल आ सकती है? एंड गाइस बैड ब्लड में कौन सा मैच पॉसिबली हो सकता है, ये सारी चीजें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है बैड ब्लड से। तो गाइस क्या ब्राउन ब्रेकर बैड ब्लड में डिफेंड करेंगे अपना टाइटल अगेंस्ट जे उसो? तो गाइस इसका पता चल चुका है, जे उसो जो है देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल मंडे नाइट रॉ में हमारा मैच होने वाला है ड्रैगन ली एंड हमारे जो दूसरे बंदे हैं मतलब जे उसो, या इनका मैच होने वाला है। जो क्वालिफाई करेगा वो बैटल फोर वे में जाएगा एंड बैटल फोर वे मैच में जो जीतेगा वो फेस करेगा हमारे ब्राउन ब्रेकर फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एट बैड ब्लड। हो सकती है ये चीज़, बट गाइज ये चीज़ मानी जा रही है कि जे उसो या फिर ब्रॉन्सन रीड भी हो सकते हैं। तो ब्रॉन्सन रीड अगर होते हैं मुझे लगता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर जे उसो होते हैं तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन आई थिंक जे उसो पे ब्लड लाइन का अटैक हो सकता है भाई। कल की मंडे नाइट रॉ में हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती है कि कौन क्वालिफाई करता है और कौन नहीं करता। एंड गाइज हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी कैरियन क्रॉस है। कैरियन क्रॉस चाहते हैं कि मतलब ऐसी मतलब फाइट हो जिसमें ना नॉकआउट हो ना कुछ हो, बस एक चैंपियनशिप हो, उसके नॉकआउट फिनिशर सबमिशन सब कुछ हो। तो ये चीज़ उन्होंने कही, मतलब बंदे को कुछ मिल नहीं रहा तो कुछ भी कह रहा है। एंड गाइस ये चीज़ उन्होंने इसलिए कही बिकॉज ऑफ रीज़न, वो एक जिजित्सु प्लेयर हैं, एमएमए फाइटर भी हैं, तो उन्होंने ये चीज़ इसलिए बोली। तो ये अपडेट है, मैंने आपसे शेयर कर दी कैरियन क्रॉस के रिलेटेड। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी ग्यूलिया से। ग्यूलिया का डेब्यू हो चुका है, इधर जापान प्रो रेसलर सबसे बेस्ट फीमेल रेसलर है, तो उनका डेब्यू हो चुका है। राइट नाउ वो रॉक्सेना को चैलेंज करेंगी। आई थिंक अब रॉक्सेना हार जाएंगी बिकॉज ऑफ दिन ग्यूलिया का डेब्यू ऑस्का की तरह बनाना चाहते हैं डब्ल्यूली, ऑस्का की तरह उन्हें बिल्ड करना चाहती है डब्ल्यूली, नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहती है। तो गाइस उसके लिए डब्ल्यूली कुछ भी करने को तैयार है ऑस्का की तरह बिल्ड करके। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी हमारी रिया रिपली से। रिया रिपली ने रिएक्ट किया जब डोमिनिक मिस्टेरियो ने यह कहा कि मुझे रिया रिपली के अगेंस्ट मैच मिलना चाहिए, तो हमारे जो हैं डोमिनिक मिस्टेरियो की इच्छा पूरी करना चाहती है रिया रिपली। रिया रिपली ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए ये मैच। एंड देखो गाइस अगर ये मैच होता है तो कुछ भी हो सकता है, इफ़ दिस मैच इज़ पॉसिबल बाय ट्रिपल एच। अब नहीं होते यार, पहले बहुत होते थे रूथलेस एग्रेशन के टाइम पर, ऐसे मैच बहुत होते थे आपको देखने को मिलते थे, वुमेन फाइटर प्लस मैन फाइटर के साथ मैच देखने को मिलते थे, लेकिन अब नहीं होता, वो रूथलेस एग्रेशन में होता था एटीट्यूड एरा के टाइम। तो गाइस हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है ब्राउन ब्रेकर से। तो ब्राउन ब्रेकर को फेस कर सकते हैं जे उसो एट बैड ब्लड। और देखो यार ये चीज़ होनी भी चाहिए, ब्राउन ब्रेकर को समर स्लैम में उन्होंने टाइटल जितवाया, उसके बाद उन्हें बैशन बर्ली में डाला नहीं गया, लेकिन अब आई थिंक ब्राउन ब्रेकर को बैड ब्लड में डालना चाहिए एंड बैड ब्लड में वो फेस करें जे उसो या ब्रॉन्सन रीड को, ताकि उनका टाइटल को और ज़्यादा बेटर वे से बुक किया जा सके। देखो ये इसमें फाइनल अपडेट जुड़ी है वो जुड़ी है हमारे गाइस बैशन बर्लिन के मेन इवेंट मैच गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के मैच से। तो गाइस इस मैच को 8 की रेटिंग मिली है डब्ल्यूडब्ल्यूई के, इस मैच को बैशन बर्लिन के बेस्ट मैच कहा जा रहा है बिकॉज ऑफ रीजन गाइस रेसलिंग वाइज इस मैच में बहुत सारा पोटेंशियल था, सब कुछ था, अब वो एक नेक्स्ट लेवल की रेसलिंग देखने को मिली। तो गाइस इसमें जो रेसलर थे एंड जो आपको पता है ऑडियंस थी वो नेक्स्ट लेवल थी, तो गाइस इसके अकॉर्डिंग ये मैच परफेक्ट मैच था, परफेक्टली बिल्ड था और गाइस इसे 8 की रेटिंग मिली है। तो कल मंडे नाइट रॉ होने वाली है, रिव्यू वेट करना यहीं पर, मैं यहाँ पर आपको रिव्यू दूंगा। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, अपडेट अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।